हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंदा। हम आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं पूरे 100 प्रश्न, जो आप सबको फटाफट रिवीजन कराए जाएंगे। यह प्रश्न आप सबकी आगामी परीक्षा KVS, UPT, GT, PGT आदि परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, जिसमें टोटल 100 प्रश्न होंगे। तो उसका पहला प्रश्न है, किसको भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए अवनींद्रनाथ ठाकुर, बी ईवी हैवेल, सी नंदलाल बोस, डी गगनेनाथ ठाकुर। तो प्रश्न संख्या एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईवी हैवेल को नवीन जागृति का पिता कहा जाता है, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता कहा जाता है ईवी हैवेल को। तो प्रश्न संख्या एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट स्कूल की स्थापना किसने की? इंडियन सोसाइटी ऑफ स्कूल की ऑफ आर्ट स्कूल की स्थापना किसने की? ए ईवी हैवेल, बी यामिनी राय, सी अवनींद्रनाथ, डी गगनेंद्रनाथ। तो प्रश्न संख्या दो का आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट स्कूल की स्थापना गगनेंद्रनाथ ने की थी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या तीन, ईवी हैवेल के अतिरिक्त किस महान लेखक ने अपने पुनर्जागृति आंदोलन में स्वदेशी का आह्वान किया था या किया? ऑप्शन ए पर्सी ब्राउन, बी रविन्द्रनाथ, सी आनंद कैटेश कुमार स्वामी, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या तीन का आंसर होगा ऑप्शन सी, आनंद कैटेश कुमार स्वामी ने हैवेल के अतिरिक्त पुनर्जागृति आंदोलन में स्वदेशी का आह्वान किया था। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, आनंद कैटेश कुमार स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए भारत में, बी श्रीलंका में, सी चीन में, डी नेपाल में। तो प्रश्न संख्या चार का आंसर होगा ऑप्शन बी, आनंद कैटेश कुमार स्वामी का जन्म श्रीलंका में हुआ था। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट के प्रथम संस्थापक कौन थे? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट के प्रथम संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए अवनींद्रनाथ, बी ईवी हैवेल, सी गगनेंद्रनाथ, डी लॉर्ड किचनर। तो प्रश्न संख्या पाँच का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड किचनर। इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट के प्रथम संस्थापक लॉर्ड किचनर थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या छः, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 30 अंग्रेज तथा 5 भारतीय, बी 30 अंग्रेज तथा 5 जापानी, सी 5 अंग्रेज तथा 30 भारतीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर होगा ऑप्शन ए, 30 अंग्रेज तथा 5 भारतीय। इसमें जो है कुल 35 सदस्य थे, जिसमें से 5 भारतीय तथा 30 अंग्रेज सदस्य थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, 1887 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय के प्रधान शिक्षक कौन थे? तो 1887 में मद्रास कला विद्यालय के प्रधान शिक्षक कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड किचनर, बी आनंद कुमार स्वामी, सी ईवी हैवेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ईवी हैवेल जो है 1887 में मद्रास कला विद्यालय के प्रधान शिक्षक थे। अगला प्रश्न है, कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी? कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी? ए अवनी बाबू, बी रविन्द्रनाथ, सी ईवी हैवेल, डी आनंद कुमार स्वामी। तो कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, याकोहामा ताइकान तथा हिशिदा नामक दो जापानी चित्रकार अवनींद्रनाथ के घर में कितने वर्ष तक रहे? ए 5 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 2 वर्ष। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर होगा ऑप्शन दो, ऑप्शन डी 2 वर्ष रहे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, कला के मर्म को समझने के लिए ईश्वरी प्रसाद को कहाँ भेजा गया? ए जोगीमारा, बी बाघ, सी अजंता, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर होगा ऑप्शन सी, कला के मर्म को समझने के लिए ईश्वरी प्रसाद को अजंता भेजा गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, जोगीमारा गुफा के भित्ति चित्रकारी की प्रतिलिपियाँ असित कुमार हल्दर और समरेंद्रनाथ गुप्ता ने किस सन में बनाई थी? ऑप्शन ए 1914, बी 1915, सी 1912, डी 1913। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर होगा ऑप्शन ए, 1914 में जोगीमारा गुफा के भित्ति चित्र की प्रतिलिपियां असित कुमार हल्दार तथा समरेंद्रनाथ गुप्ता ने तैयार की थी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, हल्दार और बोस ने किस सन में बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? ए 1917, बी 1922, सी 1910, डी 1921। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर होगा ऑप्शन डी, 1921 में असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने बाघ गुफाओं के
भित्ति चित्र की प्रतिलिपियां तैयार की थी, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। अजंता के रंग भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां एन एस गुप्ता, वेंकटप्पा, नंदलाल बोस, हल्दर ने किस सन में बनाई थी? अजंता के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां एन एस गुप्ता, वेंकटप्पा, नंदलाल बोस, हल्दर ने किस सन में बनाई थी? ऑप्शन है 1912, बी 1913, सी 1911, डी 1910। तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर होगा ऑप्शन डी 1910 में अजंता के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां एस एन गुप्ता, वेंकटप्पा, नंदलाल बोस, हल्दर ने बनाई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। अवनींद्रनाथ ने जिस छोटे से आर्ट स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ? ए पुनरुत्थान स्कूल, बी पटना स्कूल, सी कलकत्ता स्कूल, डी बंगाल स्कूल। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर होगा ऑप्शन ए पुनरुत्थान स्कूल के नाम से विख्यात हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य सोलेमन की मार्गदर्शकता में कौन से प्रयोग किए गए जिससे कि किस दूसरी शैली का अपनाया गया? ए डाडा शैली, बी यूरोपियन सुरियलिस्ट शैली, डी इनमें से कोई नहीं, सी मिश्रण वर्णशंकर शैली। तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर होगा ऑप्शन ए डाडा शैली को अपनाया गया। तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। शिल्प गुरु या कला गुरु के नाम से संबोधन किया जाता है? ए अवनींद्रनाथ को, बी नंदलाल बोस को, सी रविन्द्रनाथ को, डी ई वी हैवेल को। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर होगा ऑप्शन ए शिल्प गुरु या कला गुरु के नाम से संबोधन किया जाता है अवनींद्रनाथ को। तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। भारतीय चित्रकला की आधुनिक भारतीय शैली का जनक कहा जाता है? ए मनीष सिडे को, बी नंदलाल बोस को, सी अवनींद्रनाथ ठाकुर को, डी असित कुमार हल्दर को। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर होगा ऑप्शन सी अवनींद्रनाथ ठाकुर को भारतीय चित्रकला की आधुनिक भारतीय शैली का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। 1871 में जोड़ासांको में किस कलाकार का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए गगनेन्द्रनाथ, बी अवनींद्रनाथ, सी रविन्द्रनाथ, डी यामिनी राय। तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर होगा ऑप्शन बी 1871 में जोड़ासांको में अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है अवनींद्रनाथ के चित्र भारत माता तथा सांध्या दीप की तकनीकी में बने हैं, किस तकनीकी में बने हैं? ऑप्शन ए ईरानी तकनीक, बी भारतीय, सी जापानी, डी चीनी। तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर होगा ऑप्शन सी अवनींद्रनाथ के जो चित्र हैं भारत माता और सांध्या दीप वह जापानी तकनीक में बने हैं। तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है अवनींद्रनाथ कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल कब बने? ऑप्शन ए 1905, बी 1910, सी 1902, डी 1907। प्रश्न संख्या 20 का आंसर होगा ऑप्शन ए अवनींद्रनाथ 1905 में कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल बने थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। मुखौटे से अवनींद्रनाथ ने क्या उजागर किया था? ए सामाजिक अच्छाइयों को, बी सामाजिक बुराइयों को, सी धार्मिक अच्छाइयों को, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 21 का आंसर होगा ऑप्शन बी सामाजिक बुराइयों को उजागर किया था। अवनींद्रनाथ ने मुखौटों से सामाजिक बुराइयों को उजागर किया था। तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। अवनींद्रनाथ ने रविंद्र की पुस्तक चित्रांगदा के लिए कितने चित्र या रेखाचित्र बनाए थे? ऑप्शन ए 16, बी 32, सी 36, डी 18। तो प्रश्न संख्या 22 का आंसर होगा ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ ने रविंद्रनाथ की पुस्तक चित्रांगदा के लिए 32 रेखाचित्र बनाए थे। तो प्रश्न संख्या 22 का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। अवनी बाबू ने कितनी पुस्तकें लिखी थी? ए लगभग 20, बी लगभग 29, सी लगभग 40, डी लगभग 35। तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर होगा ऑप्शन ए अवनी बाबू ने लगभग 20 पुस्तकें लिखी थी। तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन ए सही होगा, लगभग 20 पुस्तकें लिखी थी। अगला प्रश्न है रानी चंदा किस कलाकार की शिष्या थी? रानी चंदा जो है वह किस कलाकार की शिष्या थी? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ की, बी यामिनी राय की, सी अवनी की, डी गगनेन्द्र। तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर होगा ऑप्शन सी अवनींद्रनाथ की शिष्या थी रानी चंदा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। अवनींद्रनाथ की शैली को क्या कहा जाता था? ए स्वच्छंदतावादी, बी प्रतीकवादी, सी प्रभाववादी, डी समन्वयवादी। तो प्रश्न संख्या 25 का आंसर होगा ऑप्शन डी अवनींद्रनाथ की चित्र शैली को समन्वयवादी शैली कहा जाता था।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, सॉरी प्रश्न संख्या 26। मराड़ासन शाहजहां की ताज की ओर लगी आंखें एकटक अपनी मूक वेदना में क्या छिपाए हैं? ए दुख, बी बंधी दृष्टि, सी प्रेम, डी रहस्य। तो प्रश्न संख्या 26 का आंसर होगा ऑप्शन बी, बंधी दृष्टि अपनी मूक वेदना में छिपाए हुए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। दी पासिंग ऑफ शाहजहां का विषय अत्यंत ही करुणिक होते हुए भी उसमें एक अद्भुत शक्ति कैसे दिखाई देती है? ए संपूर्ण आर्द्रता, बी तीव्रता, सी द्रवित करने की क्षमता, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 27 का आंसर होगा ऑप्शन ए, संपूर्ण आर्द्रता दिखाई देती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। दी पासिंग ऑफ शाहजहां कलाकार की किस एकाग्रता के कारण वह इतना महान बन सका? ए भावुकता, बी तन्मयता, सी प्रयास वैयक्तिकता, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 28 का आंसर होगा ऑप्शन बी, कलाकार की तन्मयता के कारण जो है यह कलाकृति इतनी महान बन सकी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। 1883 ईस्वी में खड़गपुर में किस कलाकार का जन्म हुआ था? ए क्षितिनाथ मजुमदार, बी यमुनी राय, सी नंदलाल बोस, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 29 का आंसर होगा ऑप्शन सी, 1883 ईस्वी में खड़गपुर में नंदलाल बोस का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है नंदलाल बोस के कितने वर्ष के थे नंदलाल बोस कितने वर्ष के थे जब उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था? ऑप्शन ए 15 वर्ष, बी 8 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 25 वर्ष। तो प्रश्न संख्या 30 का आंसर होगा ऑप्शन बी, नंदलाल बोस मात्र 8 वर्ष के थे तब इनकी माता का निधन हो गया था या स्वर्गवास हो गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। नंदलाल बोस की क्षेममणि रिश्ते में क्या थी? ए बहन, बी चाची, सी मौसी, डी माता। तो प्रश्न संख्या 31 का आंसर होगा ऑप्शन डी, क्षेममणि जो है नंदलाल बोस की माता का नाम था। अगला प्रश्न है हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल के लिए उन्होंने क्या बनाया? ऑप्शन ए पोस्टर चित्र, बी वास्तु चित्र, सी प्रकृति चित्र, डी व्यक्ति चित्र। तो हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल के लिए नंदलाल बोस ने पोस्टर चित्र बनाया, तो इसका ऑप्शन ए सही हो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। अजंता की आधुनिकता नंदलाल बोस ने बनाई वह किसकी अध्यक्षता में बनाई? अजंता की आधुनिकता नंदलाल बोस ने बनाई वह किसकी अध्यक्षता में बनाई? ए लेडी हरिंगम, बी अवनींद्रनाथ, सी ईवी हैवेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 33 का आंसर होगा ऑप्शन ए, लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में बनाई, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है बाबू मसाय शांति निकेतन में किसको पुकारा जाता था? ए यामिनी राय को, बी रविन्द्रनाथ को, सी अवनींद्रनाथ को, डी नंदलाल बोस को। तो प्रश्न संख्या 34 का आंसर होगा ऑप्शन डी, नंदलाल बोस को बाबू मसाय कहकर शांति निकेतन में पुकारा जाता था, इनका उपनाम बाबू मसाय है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। भारत सरकार ने नंदलाल बोस को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया? ए 1951 में, बी 1950 में, डी 1947 में, सी 1954 में। तो प्रश्न संख्या 35 का आंसर होगा ऑप्शन सी, 1954 में नंदलाल बोस को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। नंदलाल बोस कहाँ के अध्यक्ष थे? नंदलाल बोस हैं जो है वह कहाँ के अध्यक्ष थे? ए विश्व भारती कला भवन, बी उद्योग कला संस्था, सी स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट के अध्यक्ष थे नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। सत्यनामा, शिव का विस्पान, अहिल्या, कृष्ण, भीष्म प्रतिज्ञा आदि चित्र किन विषयों पर आधारित हैं? ए दार्शनिक, बी ऐतिहासिक, सी पौराणिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 37 का आंसर होगा ऑप्शन सी, पौराणिक। यह सभी चित्र जो है पौराणिक विषयों पर आधारित हैं, तो प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। रविंद्रनाथ की पुस्तक छयानिका का अलंकरण किसने किया? रविंद्रनाथ की पुस्तक छयानिका जो है उसकी उस पुस्तक के अलंकरण किसने किया? ए नंदलाल बोस, बी एम एफ हुसैन, सी अवनींद्रनाथ, डी गगनेंद्रनाथ। तो प्रश्न संख्या 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ की पुस्तक छयानिका का अलंकरण नंदलाल बोस ने किया, तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। बोस ने अपनी कलाओं को सभी विदेशी शैलियों से कैसे मुक्त रखा? ए अकृत्रिमता, बी सादगी, सी व्यक्तित्व, डी समन्वय। तो प्रश्न संख्या 39 का आंसर होगा ऑप्शन ए, अकृत्रिमता, इसका आंसर होगा प्रश्न संख्या 39 का आंसर ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है
प्रश्न संख्या 40, नंदलाल बोस की रेखाओं में ऐसा क्या है? ए महान शरीर चित्रण, बी आकृतियों की सृष्टि, सी उन्नत कल्पना, डी शक्ति और जीवन। तो प्रश्न संख्या 40 का आंसर होगा ऑप्शन डी, शक्ति और जीवन। नंदलाल बोस की रेखाओं में शक्ति और जीवन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, मूल रूप से बोस के चित्रों में किसका अंकन हुआ है? ए लक्ष्मी, बी विष्णु, सी शिव, डी राम। तो नंदलाल बोस की चित्रों में मूल रूप से शिव का अंकन हुआ है। तो प्रश्न संख्या 41 का ऑप्शन ए सही, ऑप्शन सी सही होगा, सॉरी शिव ऑप्शन सी सही होगा। नंदलाल बोस की चित्रों में मूल रूप से शिव का अंकन हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, आसित कुमार हल्दर अवनी बाबू के शिष्य कब बने? ए 1910, बी 1902, सी 1915, डी 1906। तो आसित कुमार हल्दर अवनी बाबू के शिष्य कब बने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1906 में। हल्दर का जन्म कब हुआ था? ए 1890, बी 1892, सी 1900, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 43 का आंसर होगा ऑप्शन ए 1890 में आसित कुमार हल्दर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है हल्दर ने बाकी गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां कब तैयार की? ए 1920 में, बी 1925 में, सी 1921 में, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 44 का आंसर होगा ऑप्शन सी 1921 में आसित कुमार हल्दर ने प्रतिलिपियां तैयार की थी बाग गुफा की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, हल्दर की मधुरता का महान स्मारक कौन से चित्र हैं? आसित कुमार हल्दर की मधुरता का महान स्मारक कौन से चित्र हैं? ए द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, बी सरस्वती, सी कृष्णराज डांस, डी महाकाली। तो प्रश्न संख्या 45 का आंसर होगा ऑप्शन ए द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, हल्दर की मधुरता का महान स्मारक चित्र है द फ्लेम ऑफ म्यूजिक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, हल्दर की आरंभिक रचनाएं किस शैली में अंकित हैं? ए पटना शैली, बी लाख शैली, लाख चित्रण, सी भित्ति चित्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 46 का आंसर होगा ऑप्शन सी भित्ति चित्र शैली में आसित कुमार हल्दर के आरंभिक चित्र अंकित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, माधुर्य हल्दर का प्रधान गुण है? ए मुद्रा अंकन, बी रेखाएं, सी संयोजन, डी रंग विधान। तो प्रश्न संख्या 47 का आंसर होगा ऑप्शन ए मुद्रा अंकन जो है माधुर्य हल्दर का प्रधान गुण है मुद्रा अंकन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, किस दिशा में हल्दर का कार्य क्षेत्र चित्रकला में विस्तृत हुआ? तो किस दिशा में हल्दर का कार्य क्षेत्र चित्रकला में विस्तृत हुआ या विस्तृत है? ए मेघदूत, बी महाभारत, सी ऋतु संहार, डी उमर खयाम। तो प्रश्न संख्या 48 का आंसर होगा ऑप्शन सी ऋतु संहार जो है वह आसित कुमार हल्दर का कार्य क्षेत्र चित्रकला में विस्तृत है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर में किस सन में प्रधानाचार्य बने? ऑप्शन ए 1925, बी 1924, डी इनमें से कोई नहीं, सी 1920। तो प्रश्न संख्या 49 का आंसर होगा ऑप्शन बी 1924 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर के प्रिंसिपल बने थे आसित कुमार हल्दर और 1925 में लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल बने थे आसित कुमार हल्दर। लखनऊ आर्ट कॉलेज की स्थापना 1911 में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, देवी प्रसाद राय चौधरी किस विद्यालय के प्रधान शिक्षक रहे? ए राजकीय मद्रास राजकीय कला विद्यालय, बी कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट, सी शांति निकेतन, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 50 का आंसर होगा ऑप्शन ए मद्रास राजकीय कला विद्यालय के प्रिंसिपल रहे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, डी पी राय चौधरी को प्रसिद्धि किस क्षेत्र में मिली? ए चित्रकला, बी मूर्तिकला, सी स्थापत्यकला, डी साहित्य। तो डी पी राय चौधरी को मूर्तिकला के क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली। तो प्रश्न संख्या 51 का आंसर होगा ऑप्शन बी मूर्तिकला के क्षेत्र में यह प्रसिद्ध हुए। अगला प्रश्न है श्रम की विजय किसकी कृति है? श्रम की विजय ट्रम्प ऑफ लेबर, ऑप्शन ए नंदलाल बोस, बी अवनी, सी कनु देसाई, डी डी पी राय चौधरी। तो प्रश्न संख्या 52 का आंसर होगा ऑप्शन डी डी पी राय चौधरी का प्रमुख मूर्ति शिल्प है श्रम की विजय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, चौधरी की उच्च कोटि के चित्रों में कौन सा चित्र प्रमुख है? ए संध्या दीप, बी संध्या ज्योति, सी मुसाफिर, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुसाफिर जो चित्र है
डीपी राय चौधरी के चित्रों में, उच्च कोटि के चित्रों में प्रमुख है मुसाफिर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। चौधरी किसके चित्रण में विशेष कुशल थे? चौधरी किसके चित्रण में विशेष कुशल थे? ए पुरुष, बी नारी, सी प्रकृति, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 54 का आंसर होगा ऑप्शन बी। डीपी राय चौधरी नारी चित्रण में विशेष कुशल थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। चौधरी ने अपने चित्रों में किसका समावेश करके चित्रों के यथार्थ का निर्माण किया? ए छाया प्रकाश, बी गुलाई, सी संयोजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 55 का आंसर होगा ऑप्शन सी संयोजन। चौधरी ने संयोजन का समावेश करके अपने चित्रों को यथार्थ का निर्माण किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। रंगों का सम्राट किसे कहा गया? रंगों का सम्राट किसे कहा गया? ए क्षितिन्द्रनाथ मजुमदार, बी एम एफ हुसैन, सी अब्दुल रहमान चगुताई, सी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 56 का आंसर होगा ऑप्शन सी अब्दुल रहमान चगुताई को रंगों का सम्राट कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। अब्दुल रहमान चगुताई किसके शिष्य थे? ए अवनींद्रनाथ, बी नंदलाल बोस, सी ई वी हेवेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवनींद्रनाथ के शिष्य थे अब्दुल रहमान चगुताई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। अब्दुल रहमान चगुताई की कला का सबसे प्रमुख तत्व रेखांकन किस तरह से है? ए स्पष्ट, बी सूक्ष्म, सी कोमल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पष्ट रूप से है। प्रश्न संख्या 58 का ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है चगुताई की रचनाएं क्या प्रधान है? ऑप्शन ए अलंकारिकता, बी कलात्मकता, सी भाव प्रधान, डी इनमें से कोई नहीं। तो चगुताई की रचनाएं अलंकारिकता प्रधान है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा अलंकारिकता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। चगुताई की रंग योजना कैसी है? ए अपूर्व, बी निराली, सी माधुर्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 60 का आंसर है ऑप्शन बी रंग योजना निराली है, ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन बी सही होगा निराली। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। चगुताई के कलात्मक संग्रह चित्रों में किसकी चित्रण प्रणाली नितांत सफल और पूर्ण किन चित्रों में है? ए लाइफ, बी मुरक्का ए चगुताई, सी नक्काश ए चगुताई, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नक्काश ए चगुताई में चगुताई के कलात्मक संग्रह चित्रों के चित्रण प्रणाली नितांत सफल और पूर्ण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। चगुताई की महान कृतियां कौन सी है? ए द हर्मिट, द हर्मिट, बी द वे ऑफ लाइफ, सी एक्सीटिग्विक्सर्ड फ्लेम, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 62 का आंसर होगा ऑप्शन ए द हर्मिट। 62 का आंसर होगा ऑप्शन ए द हर्मिट चगुताई की महान कृतियों में से एक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। राजा रवि वर्मा का जन्म किलीमन्नूर में किस सन में हुआ? ए 1850, बी 1848, सी 1852, डी 1865। तो राजा रवि वर्मा का किलीमन्नूर केरल में 1848 में हुआ था, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा 1848। अगला प्रश्न है राजा रवि वर्मा को गायकवाड़ स्वर्ण पदक किस सन में मिला? ए 1880, बी 1890, सी 1859, डी 1872। तो प्रश्न संख्या 64 का आंसर होगा ऑप्शन ए 1880 में गायकवाड़ स्वर्ण पदक राजा रवि वर्मा को दिया गया। अगला प्रश्न है केसर ए हिंद पुरस्कार से राजा रवि वर्मा को किस सरकार ने पुरस्कृत किया? ए भारत सरकार, बी श्रीलंका सरकार, सी ब्रिटिश सरकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो केसर ए हिंद पुरस्कार से ब्रिटिश सरकार ने रवि वर्मा को पुरस्कृत किया था, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है चित्रालयम गैलरी कहाँ स्थित है? ए किलीमन्नूर में, बी त्रिवेंद्रम में, सी पुणे में, डी इनमें से कोई नहीं। तो त्रिवेंद्रम में चित्रालयम गैलरी स्थित है, तो प्रश्न संख्या 66 का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस उम्र में चित्रण प्रारंभ किया? ए लगभग 60 वर्ष की उम्र में, बी लगभग 70 वर्ष में, सी लगभग 55 वर्ष में, डी लगभग 65 वर्ष में। तो प्रश्न संख्या 67 का आंसर होगा ऑप्शन डी लगभग 65 वर्ष की उम्र में
रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रण प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 68, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का क्या नाम था? ए देवेंद्रनाथ टैगोर, बी ज्ञानेंद्रनाथ टैगोर, सी गगनेंद्रनाथ टैगोर, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 68 का आंसर होगा ऑप्शन ए, देवेंद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ पिता के थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कितने चित्र बनाए? ए लगभग 2000, बी लगभग 3000, सी लगभग 1500, डी लगभग 2500। तो प्रश्न संख्या 69 का आंसर होगा ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ ने लगभग 2500 चित्र बनाए। अगला प्रश्न है, नोल्ड तथा पॉलक्ली की कृतियों से किसकी कला मेल खाती है? ए अवनी बाबू, बी रविन्द्रनाथ, सी गगनेनाथ, डी यामिनी राय। तो नोल्ड तथा पॉलक्ली की कृतियों से किसकी कला मेल खाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ की कलाकृतियां नोल्ड तथा पॉलक्ली की कलाकृतियों से मेल खाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 71, शांति निकेतन की स्थापना 1918 में हुई थी, यह स्थापना किसने की थी? ए नंदलाल बोस, बी यामिनी राय, सी रविन्द्रनाथ, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 71 का ऑप्शन सी सही होगा, शांति निकेतन की स्थापना 1918 में रविन्द्रनाथ द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 72, रविन्द्रनाथ के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी पेरिस में कब हुई थी? ए 1930 में, बी 1940 में, सी 1920 में, डी 1925 में। तो प्रश्न संख्या 72 का आंसर होगा ऑप्शन ए 1930 में, रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रथम प्रदर्शनी पेरिस में हुई थी 1930 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 73, कवि कहानीकार चित्रकार आदि के विशिष्ट गुण किस कलाकार में पाए जाते हैं? ए एम एफ हुसैन, बी एन एस बेंद्रे, सी के हैबर, डी रविंद्रनाथ। तो प्रश्न संख्या 73 का आंसर होगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ जो है वह कवि कहानीकार चित्रकार आदि विशिष्ट गुण इनके अंदर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 74, रविंद्रनाथ की पुस्तक गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार कब मिला? ए 1915 में, बी 1911 में, सी 1913 में, डी 1917 में। तो प्रश्न संख्या 74 का आंसर होगा ऑप्शन सी, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 75, बांकुड़ा में किस कलाकार का जन्म हुआ था? ए रविन्द्रनाथ, बी यामिनी राय, सी अमृता शेरगिल, डी इनमें से कोई नहीं। तो बांकुड़ा में यामिनी राय का जन्म हुआ था, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, बांकुड़ा में यामिनी राय का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 75 का ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, यामिनी राय का जन्म कब हुआ था? ए 1887, बी 1880, सी 1897, डी 1877। तो प्रश्न संख्या 76 का आंसर होगा ऑप्शन ए, 1887 में यामिनी राय का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, 1929 से 1936 तक लाहौर के मियो स्कूल ऑफ आर्ट में यामिनी राय ने किस पद पर कार्य किया? ए सहायक अध्यापक, बी कला समीक्षक, सी सहायक निर्देशक, डी इनमें से कोई नहीं। तो 1929 से 1936 तक लाहौर के मियो स्कूल ऑफ आर्ट में यामिनी राय ने सहायक निर्देशक के पद पर कार्य किया, तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा, सहायक निर्देशक के पद पर कार्य किए थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 78, दिल्ली में यामिनी राय ने किस समूह का सूत्रपात किया? ए प्रगति कलाकार दल, बी कलकत्ता ग्रुप, सी शिल्पी चक्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 78 का आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली में यामिनी राय ने शिल्पी चक्र समूह का सूत्रपात किया, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 79, पद्म विभूषण से यामिनी राय को कब सम्मानित किया गया? ए 1965 में, बी 1955 में, सी 1975 में, डी 1945 में। तो प्रश्न संख्या 79 का आंसर होगा 79 का ऑप्शन बी, 1955 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, 1954 में नंदलाल बोस को दिया गया था पद्म विभूषण और 1955 में यामिनी राय को दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 80, यामिनी राय के रेखांकन की प्रमुख विशेषता क्या थी? ए जटिलता, बी सरलता, सी कोमलता, डी कठोरता। तो प्रश्न संख्या 80 का आंसर होगा ऑप्शन बी, यामिनी राय के रेखांकन की प्रमुख विशेषता सरलता थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी कलाकार किसको संबोधित
किया? ए अनिंद्रनाथ को, बी रविंद्रनाथ को, सी गगनेन्द्रनाथ को, डी यामिनी राय को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गांधी जी ने राष्ट्रवादी कलाकार यामिनी राय को संबोधित किया। अगला प्रश्न है, सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स लाहौर में यामिनी राय निर्देशक पद पर रहे। ए 1938 से 1947, बी 1932 से 1935, सी 1980 से 1985, डी 1928 से 1937। तो प्रश्न संख्या 82 का आंसर होगा ऑप्शन ए 1938 से 1947 तक सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स लाहौर में यामिनी राय निर्देशक पद पर रहे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 83, भारतीय कला का पैगंबर पाश्चात्य कला समीक्षकों ने किसे कहा है? तो भारतीय कला का पैगंबर पाश्चात्य कला समीक्षकों ने किसे कहा है? ए यामिनी राय को, बी हुसैन को, सी राजा रवि वर्मा को, डी सूजा को। तो प्रश्न संख्या 83 का आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय कला का पैगंबर यामिनी राय को पाश्चात्य कला समीक्षकों ने कहा है। अगला प्रश्न है, यामिनी राय का चित्र रथ पर राजा और रानी किस माध्यम में बना है? ए वास, बी टेम्परा, सी क्रेयान, डी एक्रेलिक। तो प्रश्न संख्या 84 का ऑप्शन बी सही होगा, रथ पर राजा रानी चित्र यामिनी राय द्वारा जो चित्रित है वह टेम्परा माध्यम में बना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 85, अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? ए हंगरी में, बी मुंबई में, सी रंगून में, डी लंदन में। तो प्रश्न संख्या 85 का आंसर होगा ऑप्शन ए, अमृता शेरगिल का जन्म हंगरी में हुआ था। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल भारत में कब लौटी? ए 1940 में, बी 1950 में, सी 1934 में, डी 1924 में। तो प्रश्न संख्या 86 का आंसर होगा ऑप्शन सी 1934 में अमृता शेरगिल भारत लौटी थी। अगला प्रश्न है, उमराव सिंह शेरगिल किसके पिता थे? ए अमृता शेरगिल, बी लक्ष्मीबाई, सी कस्तूरबा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 87 का आंसर होगा ऑप्शन ए, अमृता शेरगिल के पिता थे उमराव सिंह शेरगिल। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 88, अमृता शेरगिल की मृत्यु किस आयु में हुई? ए 25 वर्ष, बी 28 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 40 वर्ष। तो प्रश्न संख्या 88 का आंसर होगा ऑप्शन बी, अमृता शेरगिल की मृत्यु मात्र 28 वर्ष की उम्र में हुई। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 89, अमृता ने किस होटल में चित्रों की प्रदर्शनी की थी? ए मुंबई का ताज होटल, बी मथुरा का ब्रजवासी होटल, सी कानपुर का मेघदूत होटल, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 89 का आंसर होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई के ताज होटल में अमृता ने चित्रों की प्रदर्शनी की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 90, दिल्ली में प्रदर्शनी के दौरान उनकी भेंट किससे हुई? ए इंदिरा गांधी, बी महात्मा गांधी, सी सरदार पटेल, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दिल्ली में प्रदर्शनी के दौरान अमृता शेरगिल की मुलाकात किससे हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से। अगला प्रश्न है 91, प्रश्न संख्या 91, अमृता शेरगिल के किस चित्र पर ऑल इंडिया एंड क्राफ्ट सोसाइटी की ओर से स्वर्ण पदक मिला? ए वधु संघार, बी हाथी का स्नान, सी सिख गायक, डी भारतीय लड़कियां। तो अमृता शेरगिल का जो चित्र था भारतीय लड़कियां, इस चित्र के लिए ऑल इंडिया एंड क्राफ्ट सोसाइटी की ओर से स्वर्ण पदक मिला था। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रभावित थी? ए सेजा, बी पॉल गॉगिन, सी वन गो, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 92 का आंसर होगा ऑप्शन बी, अमृता शेरगिल जो है वह पॉल गॉगिन से प्रभावित थी। अगला प्रश्न है, अमृता का स्वर्गवास कब हुआ? ए 1940 में, बी 1951 में, सी 1941 में, डी 1950 में। तो प्रश्न संख्या 93 का आंसर होगा ऑप्शन सी 1941 में अमृता का स्वर्गवास हुआ था और इनका जन्म 1913 में हुआ था। जन्म जो है 1913 में और स्वर्गवास 1941 में अमृता शेरगिल का। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 94, गगनेन्द्रनाथ का जन्म कब हुआ था? ए 1860, बी 1867, सी 1857, डी 1871। तो प्रश्न संख्या 94 का आंसर होगा ऑप्शन बी 1867 में गगनेन्द्रनाथ का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 95, अवनींद्रनाथ ने गगनेन्द्रनाथ का
अवनींद्रनाथ से गगनेंद्रनाथ का क्या संबंध था? ए छोटे भाई, बी बड़े भाई, सी चाचा, डी इनमें से कोई नहीं। तो 95 का आंसर होगा ऑप्शन ए, अवनींद्रनाथ से गगनेंद्रनाथ का संबंध छोटे भाई का था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96। यूरोपीय घनवाद का प्रभाव किस भारतीय कलाकार के चित्रों में सर्वप्रथम दिखाई देता है? ए रामकुमार, बी हुसैन, सी जॉर्ज कीट, डी गगनेंद्रनाथ टैगोर। तो प्रश्न संख्या 96 का आंसर होगा ऑप्शन डी, गगनेंद्रनाथ के चित्रों में यूरोपीय घनवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है 97। किस समीक्षक ने गगनेंद्रनाथ को सर्वप्रथम घनवादी कहा था? ए आनंद कुमार स्वामी, बी पर्सी ब्राउन, सी डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस ने गगनेंद्रनाथ को सर्वप्रथम घनवादी कहा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98। घनवाद के अतिरिक्त गगनेंद्रनाथ ने किस वाद से प्रभावित किया? ए जंगलवाद, बी भविष्यवाद, सी यथार्थवाद, डी प्रभाववाद। तो प्रश्न संख्या 98 का आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रभाववाद से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99। गगनेंद्रनाथ का किस बीमारी से देहांत हुआ? ए कैंसर से, बी पक्षाघात से, सी दुर्घटना से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनका निधन जो है या देहांत पक्षाघात से हुआ था। पक्षाघात यानी हार्ट अटैक, इसको हिंदी में पक्षाघात बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 99 का ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 100। आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है, बंगाल होम इंडस्ट्री एसोसिएशन किस कलाकार ने खोला? ए गगनेंद्रनाथ, बी अवनी, सी नंदलाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 100 का आंसर होगा ऑप्शन ए, गगनेंद्रनाथ ने बंगाल होम इंडस्ट्री एसोसिएशन खोला था। तो कैसे लगी आज की श्रृंखला, पूरे 100 प्रश्न जो आप सबके लिए फटाफट रिविजन करवाया गया, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।